हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स के बारे में, यानी कि एमएससी फिजिक्स का सिलेबस देखने वाले हैं। हम फर्स्ट और जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसका सिलेबस हम पहले की जो वीडियो है उसमें देख चुके हैं, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सेशन है आपका 19 से 20 का, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन और चलिए देखते हैं हमारा एमएससी फिजिक्स का सिलेबस। तो एमएससी जो फिजिक्स है आपका थर्ड सेम का सिलेबस है और ये सेशन स्टार्ट होता है आपका जुलाई टू दिसंबर, और चूंकि कोविड के कारण डिस्टर्ब हो गया है, बाकी हमेशा से जुलाई टू दिसंबर ही स्टार्ट होता है। और इसमें भी अगर हम बात करेंगे कि जो थ्योरी होती है आपकी, वो 4 पेपर होते हैं। आप फर्स्ट सेम सेकंड सेम क्लियर कर चुके हैं, आप थर्ड एंड फोर्थ में जाने वाले हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पर वही 4 पेपर पढ़ेंगे। और सबसे पहला पेपर है आपका 301 और कंडेंस मैटर फिजिक्स फर्स्ट, और ये 50 मार्क्स का हुआ है। और ओवरऑल जितने भी पेपर है सब 50 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम और 10 मार्क्स का सीसी आपका जो कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग होगा। पेपर सेकंड 302 न्यूक्लियर एंड आपकी पार्टिकल फिजिक्स फर्स्ट। थर्ड पेपर 303 एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, और फोर्थ पेपर है आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, या जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए आपके चारों पेपर, और आगे देखेंगे हम इसके अंदर। तो 100 मार्क्स का आपका जो जनरल प्रैक्टिकल होगा, और ओवरऑल जो 300 जो मार्क्स हैं आपके, वो ओवरऑल पूरे थर्ड सेम के अंदर 300 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और 200 मार्क्स का आपका थ्योरी। चलिए अब पेपर का सिलेबस जानते हैं, क्या क्या आपको पेपर में पूछा जाएगा, कैसे क्या होगा, उन सभी के बारे में। तो एमएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट 301 और यूनिट नंबर 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक्स के बारे में, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, मतलब ये सिलेबस में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 लैटिक्स वाइब्रेशन नॉर्मल मोड्स ऑफ ए आपका वन डायमेंशनल मोनो एटोमिक लैटिक्स, उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 बैंड थ्योरी। यूनिट नंबर 4 बैंड थ्योरी सेकंड। तो आपको स्क्रीन पर जो सिलेबस दिख रहा है, आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे क्या सिलेबस है। या वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब चाहे जब आप सिलेबस को देख सकते हैं। अब कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, NAW की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक की बहुत सारी जो रेफरेंसेस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स दी गई है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। राइट गाइस, चलिए पेपर नंबर 2 देखते हैं। एमएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर 2 302 न्यूक्लियर एंड आपकी पार्टिकल फिजिक्स सेकंड है ये। सबसे पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियस, जैसे मास न्यूक्लियस क्या है उसके बारे में, वैसे आप 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, पर अब यहाँ पे थोड़ा जो लेवल है वो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। यूनिट नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स। यूनिट नंबर 3 द न्यूक्लियर फोर्सेस। यूनिट नंबर 4 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से लेकर 4 यूनिट तक आपने देखा। अब ये जो सिलेबस है वो कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 एंड 3 बुक्स हैं यहाँ पर शो की गई है, तो आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। एमएससी थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 303 एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, और इसमें यूनिट नंबर 1 है आपकी एंगुलर मोमेंटम। यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4। अब बुक्स देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी बुकों से पढ़ना बेस्ट होगा। 1, 2, 3 आपको 3 राइटर्स एंड रेफरेंसेस बुक्स यहाँ पर शो हो रही हैं, आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो ये पेपर काफ़ी अच्छा पढ़ पाएंगे। मैंने आप
आपको पेपर का सिलेबस के साथ साथ में टेक्स्ट बुक भी बताई है, जिससे कि आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। आपके पास हो सकता है कोई प्रोफेसर वगैरह आपके कॉन्टैक्ट में है तो आप उनसे बुकें भी कुछ समय पढ़ने के लिए ले सकते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल है तो, या फिर आप मंगवा सकते हैं जैसा भी आपको सूट करे। अब हम पेपर फोर्थ के पास चलते हैं, एम एस सी थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 4304 एडवांस इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर फोर्थ, सॉरी यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर फोर्थ। अब ये पेपर कौन सी बुकों से पढ़ना चाहिए, तो पांच बुक्स एंड रेफरेंसेस बुक्स के नेम है यहाँ पर, 1, 2, 3 and 4 एंड आपका 5। तो आपको जो इजी लगे, जो परचेस में मिल जाए या आप कहीं से अवेलेबल करवा सकते हैं, तो उन बुकों से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर क्लियर करके आप फोर्थ सेमेस्टर में इंटर कर गए हैं, और ये भी 1920 है, और ये सेशन स्टार्ट होता है हमारा जनवरी टू जून का फोर्थ सेम। अब जो कोविड के कारण जरूर हम लेट हो गए हैं इस बार, बाकी अगर जनरली देखा जाए तो जनवरी टू जून ये सेशन चलता है, और ये भी आपके फर्स्ट से लेकर के जो थर्ड सेमेस्टर तक आपने पढ़ा है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो 4 पेपर होंगे यहाँ पर, और मार्क्स सेम है यहाँ पर 50 मार्क्स 40 प्लस 10 सीसी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बस अब यहाँ पर हम इसका पेपर देख लेते हैं। 4 पेपर कौन कौन से, 401, 402, 403 एंड 404। और एक चीज़ और फोर्थ सेम में इंक्लूड हो गई है, इंटरनल प्रोजेक्ट, जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नहीं था इस सेमेस्टर में होता है, और जो प्रैक्टिकल है वो होते हैं आपके 100 मार्क्स के। और ये वाला जो अगर हम बात करें सेमेस्टर है फोर्थ सेम, ये 300 की जगह 350 मार्क्स का होता है, यानी अभी तक तो हमने देखा था 300 मार्क्स के होते थे हमारा पूरा एग्जामिनेशन, बट अब है 350 मार्क्स का होगा, और 50 जो मार्क्स है आपका इंटरनल प्रोजेक्ट के होते हैं, और ये प्रैक्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। राइट गाइस, चलिए हम चलते हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर पेपर नंबर फर्स्ट 401, और 401 के अंदर हम सिलेबस देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स, इस यूनिट का नाम है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, आपको स्क्रीन पर सिलेबस पूरा शो हो रहा है, आप चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको हमेशा ही जो कह सकते हैं यहाँ पर काम आएगा और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। यूनिट नंबर थर्ड यूनिट नंबर फोर्थ। अब ये पेपर कौन सी बुक से पढ़ना बेस्ट होगा, तो आपके लिए यहाँ पर शो है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक के बुक्स बताइए जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पेपर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो हमने आपको 5 राइटर्स की बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, तो आप इन बुकों से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और ये बुक हमने जो आपका जो सिलेबस है और UGC के द्वारा जो शो की गई है, जो वहाँ से रेफरेंस बुकें हमें दी गई है, यानी उनके बारे में बताया गया है, वही बुकें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर नंबर सेकंड के पास चलते हैं हम, यहाँ पर पेपर नंबर सेकंड है आपका 402 न्यूक्लियर एंड आपका पार्टिकल जो फिजिक्स सेकंड है, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। और आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर जो 1 है इसकी, वो है आपकी रेडियो एक्टिविटी, यूनिट नंबर सेकंड यूनिट नंबर थर्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस, और लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर फोर्थ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब टेक्स्ट बुक्स 1, 2 एंड 3 आपकी, ये 3 बुक्स हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री काफी अच्छी है इसके अंदर,
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सुपर केमिस्ट्री ट्रिक पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई संबंधी कोई भी समस्या है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और पढ़ाई संबंधी कोई भी मटेरियल चाहिए, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए अब हम यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं। पेपर नंबर थर्ड है 403 एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड यूनिट नंबर थर्ड लास्ट एप यूनिट नंबर फोर्थ। अब कौन सी बुक से पेपर पढ़ना चाहिए आपको, तो 1, 2, and 3 रेफरेंसेस बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स आपको शो की गई है, तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। मैं आपको हर सेमेस्टर में बता चुकी हूँ इनके तरीके, राइट गाइस। चलिए पेपर फोर्थ 404 यूनिट नंबर आपकी 1 यूनिट नंबर सेकंड इसमें 4 पार्ट्स है ए बी सी और डी। ये पेपर थोड़ा लेंदी लग रहा है। यूनिट नंबर थर्ड इसमें 2 पार्ट्स है ए और आपका बी। यूनिट नंबर आपका फोर्थ। अब ये पेपर कौन सी बुक से पढ़ना बेस्ट है, तो 2 बुकें सजेस्ट की गई है हायर एजुकेशन के द्वारा, तो इन दोनों बुकों से आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।